बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसर एंड प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जानब से मैं हूं आपका होस्ट नासर बशीर। और आज के लेसन में हम सीखेंगे HTML कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स। HTML कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स कौन से होते हैं और हम उनको यूज़ क्यों करते हैं? तो HTML नॉर्मली है ना, वो यूज़ करती है यानी लेटर साइज और स्पेसिंग खास से ना, उसके जो फ़ॉन्ट साइज वगैरह हैं वो यानी कि उसी लिहाज से जो कंप्यूटर कोड है ना वो डिस्प्ले हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर कोड एक नए तरीके से एक यानी कि लेटर स्टाइल से डिस्प्ले हो गया, उससे वाजह पता चले कि हमारे पास एक कंप्यूटर कोड डिस्प्ले हो रहा है। तो उसके लिए हम कुछ कीवर्ड या टैग्स यूज़ करते हैं। पहला है KBD यानी कि कीबोर्ड इनपुट, दूसरा है स्टैम्प, तीसरा है कोड और चौथा है वेर यानी कि वार यानी कि वेरिएबल। तो पहले हम पढ़ते हैं कि KBD यानी कि कीबोर्ड इनपुट। कीबोर्ड इनपुट को क्या कहते हैं कि अगर हम कोई भी कीबोर्ड से इनपुट दें तो वो डिस्प्ले करवानी है हमने कहाँ पे, अपने वेब पेज पे, तो वो किस तरह डिस्प्ले करवाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, Notepad++ मैंने इंस्टॉल किया था, आज हम उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, HTML डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या होती है जी, HTML। उसके बाद हम HTML का टैग स्टार्ट करते हैं और HTML का टैग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम एक बॉडी का टैग लेते हैं ताकि हम इसके अंदर अपना कोड लिख सकें जो होगा विजिबल होगा ब्राउज़र में। तो बॉडी के अंदर हम लिखते हैं कि इसके एग्जांपल लेते हैं KBD की, कि अगर हम फॉर एग्जांपल शो करवाना चाहते हैं KBD और स्लैश KBD, ठीक है। तो इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल शो करवाना चाहते हैं फाइल ओपन, तो ये हम इस तरह इसमें डिस्प्ले करवाएंगे। इसको सेव करता हूँ मैं डेस्कटॉप पे। तो इससे हम एक HTML का डॉक्यूमेंट है तो HTML मार्कअप लैंग्वेज ये देखें, ये इस पर ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन आ जाती है। इसमें से हम जस्ट सेलेक्ट करते हैं कि हमने कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करनी है, तो ये हमें बता देता है, ठीक है। इसका नाम मैंने कोड रख लिया और डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, ये हमारे पास आ गया। रन किया मैंने तो ये हमारे पास एक खास पैटर्न से लिखा हुआ है फाइल ओपन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको KBD को रिमूव कर देता हूँ तो तब क्या होगा, तो तब ये नॉर्मल स्टाइल होता है तो उसी में ये क्या है डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें, इसको फॉर एग्जांपल मैं पी के अंदर तो ये देखें इसके अंदर ये स्पेस भी इतनी नहीं आ रही और इसका टैग जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो गया है। तो इसको यानी कि हम दोबारा यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, KBD यूज़ करेंगे ताकि वो एक खास पैटर्न में हमारे पास शो हो। ये देखें तो ये है कि इसकी हाइट और इसकी विड्थ और इसका फॉन्ट साइज, ये ऐसा लगा कंप्यूटर कोड है यानी कि इसको हम कंप्यूटर इनपुट दे रहे हैं। तो ये इस तरह हम KBD फॉर कीबोर्ड इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कंप्यूटर आउटपुट स्टैम्प। ये हम स्टैम्प क्यों यूज़ करते हैं, स्टैम्प तो जो सैम्पल आउटपुट होती है किसी भी प्रोग्राम की या कंप्यूटर के कोड की, तो उसको शो करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैम्प। तो इसका भी टैग कौन सा है, SMP स्टैम्प, और इसको हम यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं। तो ये हमारे पास कोड है, इसके अंदर हम कोई भी आउटपुट शो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। मैं कुछ आउटपुट को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो ये मेरे पास इसमें मैंने क्या लिया, एक किसी प्रोग्राम की आउटपुट शो हो रही है तो उसको मैंने इधर आके कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि एक खास पैटर्न में कंप्यूटर कोड की लैंग्वेज में शो हो, तो उसके लिए इसको मैंने स्टैम्प के अंदर लिखा और इसको सेव किया। आप देखते हैं कैसे शो होती है। तो ये देखें इसके अंदर क्या है, वो एक कंप्यूटर कोड सूरत में शो हो रही है, ठीक है।
ये हम क्या क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, सैम फॉर कंप्यूटर आउटपुट और प्रोग्राम आउटपुट। तो इसे हम एक बियर का टैंक कहते हैं, ताकि वो लगा सके। देखिए तो नीचे ऊपर हमने ऊपर लेने के लिए शो करवाने के लिए वो शो लिखा है, और नीचे क्या है आउटपुट शो करवा रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वेरी एलिमेंट वो है कोड, HTML कोड फॉर कंप्यूटर कोड के लिए। तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी कोड लिखना है कंप्यूटर का डिस्प्ले करवाना है, पहले हम क्या करें इनपुट कंप्यूटर इनपुट शो करवा रहे थे, फिर हमने क्या शो करवाया आउटपुट क्या है। अब हम चाहते हैं कि हमारा कोड हम एज इट इज डिस्प्ले करवाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हम HTML का कोड शो करवाएं, हम सी शार्प का कोड शो करवाते हैं, C++ का करवा सकते हैं, क्योंकि उन लैंग्वेज की भी वेबसाइट होती है और वहाँ पे कोड उन्होंने डिस्प्ले करवाया होता है, और वो आप देखेंगे तो खास पैटर्न में होता है या खास बॉक्स के अंदर लिखा होता है। तो उसके लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, कोड का, कोड लिखते हैं और कोड को क्लोज करते हैं। तो इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे अपना कोडिंग करेंगे वो इसी के शो करवाने के लिए करेंगे, इसी के अंदर लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इधर कोडिंग के लिए, वार एक्स इज इक्वल टू 5 और वार वाई इज इक्वल टू कुछ ले लो 7 ले लो 8 ले लो जो मर्जी। ठीक है, तो ये मैं कोड शो करवाने के लिए क्या करूँगा, अपना कोड का टैग यूज करूँगा। ठीक है, कुछ और भी मैं पेस्ट कर, तो ये हमारे पास तो कुछ ये भी लिखा मैंने, तो ये क्या सारा कुछ है, हम इस तरह ये कोड लिखते हैं। अब ये कोड हमने वेब पेज पे शो करवाना, तो इस कोड के टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, कि इसके अंदर और भी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, इसमें DRM देते हैं ताकि ज़्यादा हो इसको। तो ये देखिए हमारे पास कोड एज इट शो हो रहा है और ये प्लस नहीं हो रहा। ठीक है, आमतौर पर अगर हम ब्राउज़र में लिखें तो ये इसको प्लस कर देता है, लेकिन इसमें प्लस नहीं हो रहा, हमारे पास एज इट कोड शो हो रहा है। और ये एक लाइन में, क्योंकि एक लाइन में शो हो रहा है और उधर हमारे पास ऐसे लिखा है, तो उसके लिए हम इसको सेट करने के लिए पहले हमें क्या पड़ा है, एक प्री का टैग पड़ा कि हम इसको प्री के टैग के अंदर भी ले लेते हैं ताकि ये सही डिस्प्ले हो जाए। तो प्री का टैग यूज करते हैं कोड के अंदर स्लैश प्री। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारे पास एज इट इज वो कोड जैसे हम लिखा वो शो हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास HTML कोड एलिमेंट फॉर कंप्यूटर कोड। और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है HTML वार एलिमेंट फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में या किसी एक्सप्रेशन में, तो उसमें क्या करते हैं वार का वेरिएबल यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ कि उसमें हम ये कौन सा लेना है, तो इसमें वार लेकिन जो हमें वेरिएबल लेना है वो इसके अंदर लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, तो उसको मैंने क्या किया जब डिस्प्ले करवाना है, तो वो मैं कैसे करवाऊँगा, वार का एलिमेंट ले और इसमें जो भी इसमें वेरिएबल आएगा उसको मैं वार के अंदर शो करवाऊँगा। ठीक है, तो इसको मैंने वार इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है वो एम लिया लिखा इधर, और इधर इधर सी के ये अलहदा एक है वो वेरिएबल, तो इसको भी एक वेर के अंदर लेंगे। ठीक है जी, और इसमें बात होता है सी स्केयर लिखना है, तो हमने सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे इसके लिए। सुपर स्क्रिप्ट हमने पहले पढ़ा है वो क्यों यूज होता है, ताकि उसके हम वैल्यू जो भी है वो उसके ऊपर शो करवा सकें जिस चीज के हम शो करवाना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होगा हमारे पास इज इक्वल टू एम सी स्केयर, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है आइंस्टाइन की, तो ये इस तरह हम शो करवाते हैं।
ठीक है, ये था हमारे पास कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।